सकता है उतनी देर। खाना शाना रेडी हो रहा है भाई, दोनों तरफ बफे लग चुका है। और ये कोई चिकन की डिश है, फिर साथ में राइस है, फिर चिकन ड्रम स्टिक्स है। खाना जैसा भी हो, जो व्यू है और जो पूरी एक वाइब है उसके साथ हर चीज अच्छी लग रही है। तो अभी फिलहाल सैंडविच वैंडविच खाएंगे, थोड़ा सा ये यहाँ से चल ले, फिर मैं अंदर बैठ के, मुझे नहीं पता लग रहा था कि इतनी जंबो जेट किस्म की ये यॉट है। इन्होंने क्रूज लगाया हुआ और सुकून से बैठे हुए हैं, और अंदर एक अलग ही माहौल है। इस तरफ फिर एक रूम है, ये ओए होए होए होए, ये ज्यादा बड़ा और लग्जरी है यार। Con el calor de tus manos, con el sabor de tu boca, suelto y me entrego a tus brazos, siempre deseado amar así. अस्सलाम वालेकुम शपैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आर एच एस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। इस टाइम हम लोग हैं जी लंकावी में। लंकावी बहुत ही खूबसूरत एक आइलैंड है मलेशिया का, और कल हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, अभी सो के उठे सुबह सुबह 7:20-30 हुए हुए। ये रिजॉर्ट जहाँ पे हमने कल आके स्टे किया था, पिछली वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दिखाई थी इसकी। एक रेस्टोरेंट है जी इस तरफ, इसमें है एशियन ब्रेकफास्ट, और एक रेस्टोरेंट है दूसरा उस तरफ, उसमें है सारा वेस्टर्न। और यहाँ पे भी देखते हैं कि एशियन में क्या क्या ऑप्शंस हैं, और फिर हम जाके उस तरफ देखेंगे। इन्होंने जो तो कल दसिया ना कि इतने दो रेस्टोरेंट ने थे, दोनों जो कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, कि मैं तुम्हें दसांगा सुबह। यहाँ से स्टार्ट होता है जी रेस्टोरेंट, और रात को यहाँ पे पूरा कैंडल लाइट सीन ऑन किया होता है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत किस्म का। हाई मॉर्निंग 1012। manos con el sabor de tu boca suelto y me entrego a tus brazos siempre deseado amar así. खाना शाना मैं अपना ले आया हूँ, और मैंने फ्रूट्स लिए हैं, साथ में जूस लिए, और साथ मैंने सॉसेजेस, चिकन स्लाइस, फिर उसके अलावा जो सिंगापुरियन बी राइस वो लिए हैं, साथ में तोमयाम राइस लिए हैं, फिश टिक्का लिया है, वो बीफ पडिंग टिंग डोंग डोंग वो था वो लिया है, एक और इसके अंदर चिकन की जो डिश थी वो ली है। डिफरेंट चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्राई करूँगा, उसके बाद शायद हम दूसरे रेस्टोरेंट पर अटैक करेंगे, लेकिन अभी इधर वाले को तसल्ली से पूरा करूँगा मैं। ये ठंडे क्यों हैं, ये हो गए लाते रहते। ये बीफ की क्या चीज़ है? ये फिश टिक्का। ओह नो। दूसरे रेस्टोरेंट में चले? वो पूरा उड़ाने के बाद भाई दोबारा से मैं लेके आया हूँ सिंगापुरियन बी राइस, और ये बहुत मज़े के लगे मुझे। इसमें बहुत ही बारीक से नूडल, साथ में इसमें श्रिम्प्स हैं, चिकन है, तो वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और साथ में कट चिली सॉस मैंने ऊपर डाली है इसके। और फिर ये आई थिंक इंडोनेशियन है, ये थोड़ा स्वीट चिकन है, बहुत मज़े का स्टिकी सा स्वीट चिकन होता है। चलिए जी अब इधर से हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि है वेस्टर्न ब्रेकफास्ट, उसके अंदर देखते हैं यार क्या क्या चीज़ें होती हैं। पूल का क्या खूबसूरत यार इस टाइम व्यू आ रहा है, साथ में बादल शादल फुल आए हुए हैं। और इस तरफ से आई थिंक उस तरफ दूसरा रेस्टोरेंट है, या वो कल था ना जो देखा था बीच के सामने। सारा रिजॉर्ट एक तरफ, जो ये वाला रिजॉर्ट का पार्ट है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मतलब आप देखोगे कितना खूबसूरत यहाँ पर बंदा बैठा रहे यही व्यू देखता रहे। इस तरफ ये आ गया जी पेलांजी ग्रिल, ये बिल्कुल सामने बीच और समंदर, उसके किनारे भी उन्होंने सारा बैठने का वो बनाया हुआ है। और यहाँ पे है हमारा वेस्टर्न ब्रेकफास्ट। ओबा मैं कैन करना ही नहीं, तुसी उठे कर रहे हो ऑल हलाल। खूबसूरत खूबसूरत इस व्यू के साथ जब खाना पड़ा हो ना तो वो खाना भी अच्छा लगता है। यहाँ पे भी दोबारा से वही सारे जैम्स बटर्स वो चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ रिपीट होंगी मेरा ख्याल है। ये अब हाफ बॉइल्ड एग्स आ गए हैं, हार्ड बॉयल एग्स आ गए हैं, उसके अलावा ये क्या चीज़ है भाई, फिश फिंगर आई थिंक, हाय 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 हाय। फिर दोबारा से सारा चीज़ बोर्ड है यहाँ पे, ट्रैक्टर आ गया है इनके प्राइवेट बीच को स्ट्रेट करने के लिए और साफ करने के लिए। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि जो यहाँ पे प्राइवेट बीच है ये बहुत ज़्यादा साफ़ है, इसका कलर जो है वो वाइट सैंडी है, उसकी वजह वो है कि इसकी रोज़ सुबह सफाई होती है। बाकी आगे जो पब्लिक बीचेस हैं उनकी सफाई आई थिंक जो आइलैंड की अथॉरिटीज़ होंगी वो करती होंगी, और वो कितने टाइम बाद करती होंगी नो आइडिया। यहाँ से स्टार्ट होता है जी सारा मेन, इसमें आ गए हैं हैश प्रॉन पोटैटोज़,
पटाटिस ये सेम वैसे ही हैं जो वहाँ पे थे। फिर इसके अलावा बेक बीन्स ये भी वही हैं जो वहाँ पड़े हुए थे। इधर सिर्फ ये है कि इन्होंने मेरे ख्याल ये ज़रा इनके अंदर बंद करके चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट, कोकोनट जैम, ओए होए 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 होए, ब्रेड बटर पुडिंग ही रख छटी है अगले आने, ओए बहुत वजनी है यार। फिर यहाँ पे दोबारा से वही पीनट बटर, कोकोनट जैम, चॉकलेट सॉस, वनीला सॉस और वॉफल्स, पैनकेक्स। फिर इसके अलावा मेपल सिरप, उसी तरह से ये डिफरेंट ब्रेड्स आ गई हैं, सेम है ऑलमोस्ट, वही वाला है। इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो वेस्टर्न, आ पाई जी पाजी, ऐ कर रही है इतने वेस्टर्न काम सारा। यहाँ फिर से वही सेम जूसेस, जैसे उन्होंने बताया था कि ये हमारा एशियन रेस्टोरेंट है और वहाँ पे हमारा जो है वेस्टर्न रेस्टोरेंट बफे होगा, तो मुझे लगा था कि इंटायरली कोई डिफरेंट जो है ना उसके अंदर वो चीज़ें इन्होंने रखी होंगी, बट ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। वहाँ चिकन स्ट्रिप्स थी, यहाँ पे बीफ स्ट्रिप्स हैं, वहाँ चिकन सॉसेजेस थे, यहाँ बीफ सॉसेजेस हैं, बल्कि उधर वाली चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी थी और ज़्यादा थी चीज़ें। मज़ा आया वापस उधर जाके आप खाने लगे, वापस ही चलते हैं। मुझे तो लग रहा था यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या क्या पास्ते और क्या क्या जनाब चीज़ें रख दी होंगी। जिथे दी खोती उथे अंख लोती, इट्स 1012, थैंक यू। वापस बेचारे लौट के बुद्धू घर को आए, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। अब वही जिस तरह मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ, अब गोरे सारे इधर आके बैठे हुए हैं, वो खाली पड़ा हुआ था, ऐ भी ऐसे ये चीज़ें ट्राई करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल रहा है, वहाँ वाला भी और बल्कि एक्स्ट्रा डिशेज हैं यहाँ पे। अभी मैं लेके आया हूँ ब्रेड पुडिंग विद वनीला सॉस एंड चॉकलेट सॉस, साथ में ये मेरे पास ब्राउनी है। टाइम हो चुका है जी 3:11 और अभी हम लोग निकलने लगे हैं, टैक्सी वेट कर रही है। एक बड़ी मज़े की मैंने चीज़ बुक की है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। Assalamualaikum. अभी हम लोग जा रहे हैं जी, मैंने एक बहुत मज़े की एक्टिविटी बुक की है जिसका मैं आपको बता रहा था, वो है जी सनसेट डिनर क्रूज। अभी जाएंगे, देखेंगे कि किस तरह का सीन है, क्या एक्सपीरियंस होता है आज का, वो सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मौसम बहुत खूबसूरत है लंकावी का, और जितना ये खूबसूरत आइलैंड है, कल भी मैंने आपको दिखाया था, अभी भी मैं इसको देख रहा हूँ, मैं तो हैरान हूँ कि क्या ये एक तरह से लगता है आप वाकई में, मैंने सुना हुआ था हिडन पैराडाइज ऑफ मलेशिया, ये वाकई हिडन पैराडाइज ऑफ मलेशिया है। तो बस अभी जा रहे हैं, फुल लश ग्रीन, सफाई, बादल। ओके, इस रूट पे मुझे 100% नहीं, 200-300% वो वाइब आ रही है जो मेरा कनाडा में विस्लर की राइड थी, जो मैं कैमलूप से निकल के विस्लर गया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो एग्जैक्टली मुझे वो वाइब आ रही है। बीच में उसी तरह से पहाड़ आ जाते हैं, वैसी डेंस जंगल नजर आ रहा है। This is unbelievable. मतलब मुझे, मैंने जिस तरह आपको भी विस्लर वाली राइड का बताया, वो मैंने उस वीडियो में भी बोला था राइड, मैं विस्लर टाउन की बात नहीं कर रहा, वो मेरी लाइफ की बेस्ट राइड थी जो मैं कैमलूप से विस्लर गया था। और ये मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ पे हूँ, सिर्फ गाड़ियाँ उतनी लग्जरी नहीं है यहाँ पे, और वही 2-lane रोड है, वही ग्रीनरी है, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे है। तो मेरा ख्याल है कि महा अब हमें कैनेडा नहीं जाना चाहिए, है ना, यहाँ पर बार बार आएंगे तो हम फिर भी कैनेडा। फिर हम लोग पहुंच चुके हैं जी रॉयल लंकावी यॉट क्लब, और हल्की हल्की सी बारिश होनी शुरू हो गई है। ये जहां से हमने अपना टूर बुक किया है, 10 मिनट रह गए बोर्डिंग होने में, जरा जल्दी से चलते हैं अंदर। यहां पे लिखेंगे जी हम अपनी नेशनैलिटी। यहां पे अभी कॉफी मशीन है, हम लोग पियेंगे कॉफी। कौन सी लेनी है भाई, कोल्ड या हॉट? स्टार्ट एस्प्रेसो शॉट्स, क्लासिक कॉफीज, मोकास एंड चॉकलेट्स, हॉट चॉकलेट। ऐसे अक्सर जगह कॉफ़ी मशीन्स होती हैं, ये अब कॉस्टा ने अपनी कॉफ़ी मशीन लगाई हुई है यहाँ पे, आप कोई भी सिलेक्ट करो, कार्ड से पे करो, कॉफ़ी ले लो, कोई बंदा नहीं खड़ा, कोई सीन नहीं है, ईजी पीजी माहौल। अच्छा, ये रॉयल लंकावी यॉट क्लब जो है, यहाँ से मतलब बहुत सी कंपनीज हैं लंकावी में जो सनसेट डिनर क्रूज करवाती हैं, निकलती तकरीबन सारी रॉयल लंकावी यॉट क्लब से ही हैं, लेकिन जिस कंपनी से मैंने बुक की है ये है मंता ब्लू, MANTA ब्लू। ये इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कभी आओ तो करवा लेना, बाकी आज पूरा रिव्यू मैं भी दूंगा, लेकिन जितने इनके रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं वो सब बहुत अच्छे थे, और सब ने ये लिखा हुआ था कि ये सबसे बेस्ट है लंकावी में फैसिलिटीज़ और हर चीज़ के हवाले से। अभी ये सारा वेटिंग एरिया है, तकरीबन 4 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वो सामने खड़ी हुई है, वो बड़ी वाली है, काफ़ी बड़ी है, अल्लाह करके वो, लेकिन शायद छोटी वाली होगी क्योंकि पिक्चर्स में इन्होंने इतनी बड़ी नहीं दिखाई हुई थी। चलें जी, 4 बज गए हैं, हम लोग अब निकल पड़े हैं, अल्लाह करके अच्छी वाली हो। क्या क्या उम्मीदें हैं? मुझे तो अच्छी
उम्मीदें बाहर रख, असल गेम हुई हुई है जी मौसम की, क्या बात है। ये है जी हमारी यॉट। हाय, कैन रिमूव द शूज? ओके, रिमूव द शूज। अभी मैं आपको इसका प्रॉपर टूर भी देता हूँ। फिलहाल सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इन्होंने फ़ौरन से जो है वो सैंडविचेस सर्व कर दिए हैं यहाँ पे हमारी कॉफ़ी के साथ। सैंडविच क्या ही कॉम्बिनेशन बन गया है। तो फिलहाल तो मौसम हमारा फुल साथ दे रहा है भाई, तो अभी फिलहाल सैंडविच वैंडविच खाएंगे, थोड़ा सा ये यहाँ से चल ले, फिर मैं आगे जा सकता हूँ यॉट के, फिर आपको जाके आगे से दिखाता हूँ। और ये वही यॉट है जो मैं कह रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये फुल जो सबसे अच्छे वाला यहाँ पे था ये वो है। बाकी बहुत बड़ा ग्रुप था वो चले गए, बट वो यॉट थोड़ा और था कोई। हाँ वो मेरे ख्याल बोट्स में गए, यॉट में नहीं गए। म्यूजिक चालू कर चुके हैं साइया ने। काफ़ी लंबा हमारा सफ़र है, 4 बजे से 8 बजे तक। अभी फ़िलहाल मैं तो आगे जा रहा हूँ, आगे ज़रा देखते हैं क्या माहौल है। ओए होए होए खूबसूरत यार, इसने ऐसे ही बस स्लो क्रूज़ करते जाना है और आपने सिर्फ अपना जो है ना वो मौसम को जगह को इंजॉय करना है। खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। अंदर बैठ के मुझे नहीं पता लग रहा था कि इतनी जंबो जेट किस्म की ये यॉट है। देख के ज़्यादा आगे भी नहीं जाना, ये इतनी अच्छी बैठने की जगह है, यहाँ बैठते हैं। चलो एक ये यॉट जा रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो इसमें आपको स्पॉट बड़ी मुश्किल से मिलता है सामने पिक्चर्स वगैरह बनाने का। अब हमारा ये आगे से खाली पड़ा हुआ है और यही असल पिक्चर स्पॉट है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं पहले स्पॉट पे, ईगल स्पॉट। ये बहुत एक मेजर लैंडमार्क है क्योंकि लंकावी में ये वाले ईगल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ऊपर आपको उड़ते नज़र भी आ रहे हैं। ये दो शायद इतनी दूर से ना नज़र आ रहे हों, एग्जैक्टली यही वाले ईगल्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर लोग बोट पे लेके जाते हैं सिर्फ आपको ईगल्स दिखाने के लिए। यॉट फिर से अपने सफ़र की तरफ रवा दवाएँ, सफ़र यही कि बस इस तरह जा रहे हैं और सामने व्यूज़ आते रहेंगे, पहाड़ों के बीच में से शायद गुजरेंगे, फिर सनसेट का वेट करेंगे। ये है डॉल्फिन पॉइंट, यहाँ पे डॉल्फिन स्पॉट होती है। डॉल्फिन स्पॉट हो ना हो लेकिन सीन जो है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी हुए हैं। सामने पहाड़ों के ऊपर बादल आ रहे हैं और इस तरफ एक अलग सीन है, हर तरफ जो है ना वो एक अलग सीन हुआ है। ओ ये नहीं डॉल्फिन, डॉल्फिन 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 मैंने देखी। हाँ इधर निकल रही है बार बार डॉल्फिन, इसी पॉइंट पे फिर रही है जहाँ पे इस टाइम मेरा कैमरा है, लेकिन अब ये दोबारा बाहर आए या ना आए, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुई हुई इस टाइम, छलांगे नहीं मार रही अदरवाइज। बोरी 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 ओ तीन चार बोरी 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 ज़्यादा वही ना एक्साइटेड नहीं हुई हुई इतनी। मैं तो भाई यॉट के आगे आके सुकून से लेट गया हूँ, इन्होंने यहाँ नेट लगाया हुआ है। क्या खूबसूरत मंजर है हर तरफ, मतलब एक वो जो स्पीड बोट्स होती हैं उनके एक अलग, मतलब उसकी एक अलग फील होती है, वो स्पीड में जा रही होती है, आप देख रहे होते हो झटके खा रहे हो, तो इसका यॉट का अलग सीन है, मतलब स्लो क्रूज़ करती जा रही है, आप हर सीन को तसल्ली से इंजॉय करो, बैठो और एक एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है ये। कोई 1.5 घंटा हो गया बैठ के, मैं तो सीनरी में इतना मगन हो गया था। मैं आप लोगों को देता हूँ अपना यॉट टूर, यहाँ से ये सारी सामने इन्होंने ये नेट लगाए हुए, आप सुकून से बैठो अपने पिक्चर्स वगैरह जो लेना चाहते हो वो लो, फिर उससे इस तरफ जो है हमारा यॉट शुरू होता है। ये ऊपर भी इन्होंने ये कुशन्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो सुकून से, पूरा सीन इन्जॉय करो। ये इन्होंने यहाँ पे एक नेट डाला है पानी के अंदर, वो एक खातून गई भी हुई हैं, और अगर आप इसके ऊपर लेटना चाहते हो बस वो आपको जैकेट पहनाते हैं, लाइफ जैकेट, और उसके बाद आप इस नेट पे लेट के सुकून करो, चिल मारो, दौड़े फिरो, मतलब इसके अंदर अंदर। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अगर इन्जॉय भी करना चाहते हो, आप पानी में हो और बोट के साथ साथ भी रहना है, वो उसने भी रस्सी से खुद को बांधा हुआ है, वो भी साथ साथ आ रहा है, अच्छी एक्टिविटी है, शायद मैं भी करूँ। इसके बाद यहाँ से हम अंदर जाएंगे, तो ये है जी अंदर से पूरा यॉट, और इस तरफ हमारे कैप्टन साहब बैठे हैं। एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट? 7.9 मीटर डीप। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं और हम जा रहे हैं कितनी स्पीड पे, स्पीड इज 2.3 KTS। इन्होंने क्रूज लगाया हुआ और सुकून से बैठे हुए हैं। खैर यहाँ से हम जाएंगे, ये वही वाली जगह जो मैं आपको दिखा रहा था सामने से, यहाँ से हम जाएंगे अंदर, और अंदर एक अलग ही माहौल है,
अगर आप अंदर बैठना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो अंदर से बैठ के, ये यहाँ पे महा। और इस तरफ इन्होंने सारा भी खाने शाने का इंतज़ाम रेडी हो रहा है, क्योंकि डिनर बफे होगा। जितनी मर्जी आप कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो, अल्कोहलिक भी हैं, लेकिन इस टाइम कोई भी बोट में ऐसा बंदा नहीं है जो अल्कोहलिक पीता हो, तो उन्होंने उसको खोला ही नहीं हुआ। और सैंडविचेस वैंडविचेस, सुकून से चिल मारो। अब नीचे इस तरफ जाएं तो ये है जी यहाँ पे वॉशरूम। इस तरफ आई थिंक ये रूम है, इस रूम के अंदर आप जा सकते हो। इस तरफ फिर एक रूम है ये, ओए होए होए होए, ये ज़्यादा बड़ा और लग्जरी है यार, क्या बात है इसकी। इसका वॉशरूम अलग से अंदर ही है। और इसके साथ यहाँ पे बाहर आप व्यू देख सकते हो इस तरफ। मैं तो सोच रहा हूँ जिनके प्राइवेट यॉर्ड्स होते हैं वो इस तरह निकल जाते होंगे सुकून से। ये अब जिस तरह रूम है, आप यहीं पे सो जाओ उठो, माहौल है पूरा। और इसके अंदर क्या है भाई, और यहाँ से ये देखो समंदर कितना करीब नजर आ रहा है यार, ओए होए 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 होए, ये बिल्कुल वेव्स के ऊपर जा रहा है। रूम्स उन्होंने हमें बताया था कि इसके अंदर तीन है, आई थिंक दूसरा उस तरफ है, हाँ वो सामने एक और रेस्ट रूम है, और फिर इधर से जाके अंदर एक और यहाँ पे रूम है, ये वाला छोटा रूम है, सबसे बड़ा वही था। पूरा माहौल है भाई, ये तो एक तरह से जिस तरह बाकी में वेकेशन यॉट होता है ना, सुकून करो। ये सामने कोई बीच है और कोई अपनी प्राइवेट बोट लेके उस बीच पे आया हुआ है, काफी खूबसूरत लग रहा है। अभी सामने सनसेट का सीन ऑन हो रहा है, अभी है थोड़ा टाइम उसमें, तकरीबन कोई आधा पौना घंटा उतनी देर। खाना शाना रेडी हो रहा है भाई, दोनों तरफ बफे लग चुका है। और खाने में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, व्हाट इज दिस, मशरूम, और ये कोई चिकन की डिश है, फिर साथ में राइस हैं, फिर चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, फिर ये वेजेस हैं, और व्हाट इज दिस, प्रॉन्स, प्रॉन्स, प्रॉन्स आ गए, ये पूरी हमारी साइड है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आई थिंक साते हैं, चिकन साते, सॉस, फिर से ये कोई वेजेस हैं, उसके अलावा ये भी कोई इन्होंने सैंडविच टाइप, चिकन सैंडविच टाइप बनाया है। अपना खाना शाना उठाओ और यॉट में जहाँ मर्जी जाके खाओ, मैंने भी चिकन साते लिए। ओए होए, बारबेक्यू की फुल फील आ रही है स्मोकी। इतने भरे टेबल में से मैंने लिए जी चिकन साते, साथ में वेजिटेबल राइस, मशरूम, चिकन ड्रमस्टिक, और ये आई थिंक ये पता नहीं क्या है यार, और ये एक ग्रेवी है चिकन की, ये प्रॉन्स हैं। सारा खाना फोड़ देना आज बशीरिया। चलो जी, ये चिकन और इसके साथ राइस। ओह सो गुड, खाना जैसा भी हो, जो व्यू है और जो पूरी एक वाइब है उसके साथ हर चीज़ अच्छी लग रही है। लेकिन चिकन बाकी में बहुत मजे का है ना, वो एक जिस तरह हमारी चिकन हांडी होती है ना, हाँ, वो सेम ऐसा ही है, सेम ऐसे ही है ना, रोटी मिल जाए ना तंदूर की गर्मा में, नान ना लबे अभी वापसी का सफर शुरू है, खूबसूरत तरीन सनसेट हो रहा है। और ये जो पूरी हमारी आज की यॉट वाली ये एक्सपीरियंस था पूरा, ये वाकई में एक एक्सपीरियंस था करने वाला। कभी भी लंकावी आओ ये लाजमी करना, आप लंकावी के बारे में सर्च करोगे ना, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा साइट्स पे नज़र नहीं आएगी, वो आपको मैंग्रोव टूर, फलाने टूर, टमकाने टूर ज़्यादा वो बताएंगे। ये यहाँ की काफ़ी एक अंडररेटेड और एक हिडन सी एक्टिविटी है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट है। आप अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी आ रहे हो, फैमिली के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, जो भी देख रहे हैं, ये एक बड़ी नेक्स्ट लेवल एक्टिविटी है। इतना पीसफुल निज़ाम पूरा, आप देखो सनसेट हो रहा है, अभी तो बादलों में छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी एक खूबसूरत सीन है। इस टाइम ये जो सीन है ये देखते हुए ऐसा लगता है कि आप कहीं दुनिया से बिल्कुल साइड पर आए हुए हो, इतना पीस, समंदर की ये हल्की हल्की आवाज़, हवा, और ये वाला सनसेट, ये किसी भी पेंटिंग से कम नहीं है, बल्कि पेंटिंग क्या ही चीज़ है इसके सामने। पहुंच चुके हैं हम लोग किनारे पे, और हमारे साथ आज यॉट में सारी खवातीन थी, वहाँ की इनसे दोस्ती हो गई है सबसे, और वो अभी बाय 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 चल रहा है यहाँ पे सारा। डेढ़ हजार दफा कहा है
बाय। वाह वाह यार, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत सीनरी है इस टाइम। लें जी ख़वातीन और उनके हजरात, हम लोग रीच कर गए हैं अपने होटल में वापस, और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाई को, और दुआओं में याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़।